मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 7 और कनक मेरे पास ही सो रही थी। कनक उठी अभी। कनक हाय कर दे। कनक ने मेरे को उठा दिया। कनक मेरे से पहले उठ गई थी। हम दोनों देखो कंबल ओढ़ के सोए गए हैं। तो चलो अब उठ जाते हैं, चाय पिएंगे, है कनक? कनक दूध पिएगी, तो क्या पिएगी कनक? कनक दूध पिएगी, मैं चाय पी लेता हूँ। गाइस घर से मैं सीधा आ गया हूँ यहाँ शॉप पे, क्योंकि आज मुझे किसी को देना है सामान। सामान लेने के लिए आएंगे, थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। टाइम हो चुका अभी 12:30 का। उन्होंने टाइम तो 12 का दिया था, लेकिन आधे घंटे लेट हो। मैं कॉल करता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं। और मैंने मास्क लगा रखा है, किंतु मैंने मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाया जब से मैं शॉप पे आया हूँ। और देखता हूँ मैं कितनी देर तक शॉप पे रहता हूँ, शाम तक रहता हूँ या फिर पहले घर चला जाता हूँ, अभी कुछ नहीं पता। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी शॉप के रास्ते को कर रखा है बंद, अंदर आने का, अंदर कोई नहीं आ सकता। बाहर से मैं खुद ही सामान पकड़ देता हूँ लोगों को, जिसको चाहिए वो। तो चलो ठीक है, जो भी आज दिन में मेरे साथ होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। भाई जिसके साथ ही थे वो सामान अपना ले जा चुका है, और मैं घर जा कर के और खाना वाना खा कर मैं फिर वापस आ गया हूँ शॉप पे। थोड़ी देर के लिए आया हूँ मैं, 1.5 घंटे के लिए। अभी टाइम हुआ है, अभी 4 बजे हैं लगभग। मैं 5:30-6 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, 1.5-2 घंटे बाद। और जब भी मैं बाहर जाता हूँ लगभग मैंने मास्क लगा ही रखा है। इस टाइम हो गया है 5:30 का, और मैं अब घर जाने की कर रहा हूँ तैयारी, क्योंकि चलते हैं, ना ज़्यादा कस्टमर हैं। शटर वगैरह बंद करेंगे तब तक 6 बज जाएंगे। और अब आपसे मिलेंगे हम सीधा घर पे ही। के पास देखो मेरे को रोज़ दिखाई दिए, अभी मैं घर नहीं पहुँचूँ, घर से थोड़ी सी दूर पे हूँ। ये 12 रोज़ है, मैंने गिनती कर लिया। देखो फसल नहीं है, चारे के लिए घूम रही है इधर उधर। हमारे यहाँ पे कम ही दिखाई देते हैं कभी कभी, पता नहीं अचानक से इतने सारे कहाँ से आए। कुत्ते इनके पीछे पड़े हैं, कुत्ते देखो, दो कुत्ते हैं। घर से मैं थोड़ी दूर हूँ, चलो चलते फिर घर पे। अभी घर पहुँचा हूँ, मेरी माँ फ़ोन पे बात कर रही है, पापा बैठे हैं, और मैं केले लेके आया था, शेक बनाएंगे और फिर खाएंगे नहीं, शेक को पियेंगे, केले खाते हैं। हेलो जी शशांक, और ये कनक भी देखो हाल करना सीख गई हो। कनक तो केला खाने भी लग गई है। चल ठीक है, मैं नहा लेता हूँ, अभी ज़्यादा नहीं मिलूंगा इन लोगों से, नहा के उसके बाद मिलते हैं। मैं तो नहा लिया हूँ शॉप से आने के बाद, पर मैंने सिर में तेल नहीं लगाया। और शशांक है वो 2 दिन से नहीं नहाया इतनी गर्मी में, और वो आज भी नहीं नहाया। उसकी मम्मी उससे पूछ रही है तू क्यों नहीं नहा रहा। 1 दिन माँ तो 2 दिन से कह रही है। हाँ सॉरी भाई, 1 दिन नहीं नहाया, आज ही नहीं नहाया है। और ये कनक क्या करती घूम रही? कनक तू है? कनक आए करती, सबको आए कर, आए तो ठीक है, तू कपड़ा पहन ले नीचे। दाऊं 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 गोलो ने कपड़ा परा। शेक बनाने के लिए बोल रहा है, शेक बन के आएगा, थोड़ी देर में शेक पियेंगे। ठंडा नहीं मिलेगा पर गर्म मिलेगा, गर्म मतलब नॉर्मल सा, क्योंकि फ्रिज चलाते नहीं है, चलाते हैं तो उसमें दूध नहीं रखते। दूध रखते भी हैं तो अब शाम का दूध वो ठंडा होगा नहीं, क्योंकि अभी लाइट नहीं है हमारे। मैं अपनी दुकान में रहता था, आराम से एक थैली को फाड़ा ठंडी ठंडी और डाला बना के पी जाता था, लेकिन यहाँ पे घर पे ऐसी सुविधा नहीं है, वो सिर्फ दुकान पे हो सकती है। शायद मैं कनक को भी नहलाऊंगा। गोलू शशांक कनक को नहलाएगा। इसने कपड़ा पहना दिया अभी, ये तो मिट्टी खा रही है। क्यों खाई? हाँ है, मिट्टी खा रही है तू, दिखा ऊपर, ये देखो इसके चेहरे पे मिट्टी लगी है, मिट्टी खाई इसने। और ये शेक भी आ गया, कैसा बनाया है देखो ये शेक। मैंने कहा था ना ठंडा नहीं मिलेगा, ठंडा नहीं है ये, लेकिन बढ़िया है, घर का दूध है, भैंस का दूध है। अब मैं शेक पी लेता हूँ। तो भाई मैं थोड़ा आ गया था नहर की तरफ चलते हुए पैदल। आज थोड़ा घूमने का मन था, काफ़ी दिन हो गए घूमे, घूमा ही नहीं हूँ मैं। बस घर से शॉप और शॉप से घर,
ये चलता रहता था, आज थोड़ा घर जल्दी आया। वैसे भी दो तीन दिन पहले मैं घर पे था लेकिन घूम नहीं पाया था। थोड़ा मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। कुत्ते भौंक रहे मेरी तरफ देख के, वो वहाँ बैठे हैं कुत्ते काफ़ी दूर, वो देखो दिखाई दे रहे हैं क्या, काफ़ी दूर बैठे लेकिन मेरे को देख के भौंक रहे कुत्ते। चिड़िया चहचहाट कर रही हैं। ये देखो ऊपर की करके पेड़ हैं, ये सूख चुके हैं बिल्कुल ही, हरियाली नहीं है। अब बारिश का मौसम आएगा तभी हरी भरी हो जाएंगी। आगे चल के नहर दिखाता हूँ आप लोगों को, बड़ी नहर है ये, तो छोटी है ये भी नहर ही है लेकिन छोटी है बहुत ज़्यादा। आगे है वो बड़ी भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, इससे बड़ी है। तो ये है बड़ी नहर जो मैं आपको दिखाने वाला था। अब ये साफ़ कर दी है, कल परसों लग रहे थे इसमें साफ़ करने वाले। और ये है पुलिया फ्लाई ओवर, ये एक रूम बना हुआ है यहाँ पे। इस साइड साफ़ नहीं हुई, इस साइड तो गंदी पड़ी है, देखो आगे तो गंदी है। नहर के साथ साथ ये रास्ता है, ये गांव में जाता है, इस साइड ये रोड में जाता है। और ये आ रहा है मेरा दोस्त सामने से, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये देखो। तो हम थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, दूर दूर बैठेंगे लेकिन कोरोना का सिस्टम है ना। और ये बादल हो रखे हैं ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आएगी। तो अभी सारे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारे पड़ोस में है आज एक शादी, वो वैसे हमारे घर में है थोड़े बहुत, हम वहाँ पे कोई नहीं गए क्योंकि कोरोना की वजह से हम वहाँ पे नहीं गए, सारे घर वालों ने मना कर दिया, लोग मान ही नहीं रहे बिल्कुल। वैसे शादी किए जा रहे हैं, शादी कर लो लेकिन भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे घर में से कोई भी नहीं गया। ये देखो सारे यहीं पे, मेरी माँ है, भाभी और सब यहीं पे ही हैं। ये शशांक, ये कनक देखो रुक ही नहीं रही है। अब थोड़ी देर में खाएंगे हम खाना। हाय कर कनक, हाय हाय कर दे गोलू, अरे गोलू हाय कर दे, ले उतर जा। थोड़ी देर में खाना खाएंगे, मिलते फिर आप लोगों से। इस रात के बज चुके हैं 9:30 और मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। और मेरे सामने लाइट है इसलिए चेहरा दिखाई दे, थोड़ा आगे जाऊँ तो अंधेरा हो जाएगा। ये देखो अंधेरा हो गया और मैं अब आ गया हूँ रसोई में। मुझे यहाँ से लेना है दूध, लेकिन दूध तो है ही नहीं यहाँ, दूध कहाँ है दूध। अभी मैं दूध लेकर के जाऊंगा अपने रूम में। तो ये मिल गया है दूध और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। अब गाइस मैं आ गया हूँ अपने कमरे में। रास्ते में मैं नहीं बना पाया था वीडियो क्योंकि मेरे एक हाथ में पानी का कोप भी था और एक हाथ में था दूध। ये दूध और ये पानी दोनों चीज़ लेके आया था मैं, क्योंकि रात को प्यास लगती है, पानी पीना चाहिए। कोरोना के टाइम में डॉक्टर भी कहते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में गले को गीला करना चाहिए, उससे ठीक रहता है। तो गाइज अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ है वही रहिएगा, बाहर मत निकलेगा। मेरी तो कुछ मजबूरियाँ होती बाहर निकलने की, जैसे मुझे शॉप पे जाना पड़ता है। तो अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसको ज़रूरत नहीं हो मत जाइएगा। और जिसके पड़ोस में शादी बता रहा था उनके देखो डीजे बज चुका है, शायद आवाज़ आ रही होगी या नहीं भी आ रही होगी। तो आज रात को सोने में प्रॉब्लम होने वाली है। और तो बस आज पूरे दिन में यही था मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं था, आज कम ही था। तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, ओके बाय।